दर्शकों को श्रीमती मिर्चंदानी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको अग्रवाल 420 के डोसा मिक्स से डोसा बनाना सिखाएंगे। हम 200 ग्राम डोसा मिक्स एक बोल में लेंगे और करीब 2.5 कप पानी से उसको घोलेंगे। दर्शकों ध्यान रखें, जब हम पानी डालें डोसा मिक्स के लिए तो पानी बहुत धीरे धीरे डालें और इसे हाथ से ही घोलने की कोशिश करें। इसमें कोई लम्स ना पड़े, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और पानी डालने के बाद आप इसको करीब 10 मिनट तक गलाए रखें, क्योंकि गलाने से आपके डोसा मिक्स थोड़ा सा फ्लफी और हल्का होगा और इससे आपका डोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए, हमने पानी डालकर अपने घोल को तैयार कर लिया है। दर्शकों हमारा घोल तो तैयार हो गया है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको अपने घोल को छानना होगा, क्योंकि अगर आप छानेंगे नहीं और उसमें अगर लम्स होंगे तो आपका डोसा एकदम अच्छा नहीं बनेगा और फटेगा। तो हम इसको छान लेते हैं। हमारा डोसा मिक्स तैयार हो चुका है और हम इसको 10 मिनट पहले ही गला चुके हैं। और दर्शकों को जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डोसा बनाने का है, आपका जो डोसा मिक्स है वो फ्लोई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो ये हमारा डोसा मिक्स तैयार है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई मिक्स यूज करते हैं, हमें हमेशा एक शिकायत रहती है कि हमारा डोसा बहुत अच्छा नहीं बनता है। आप लोग जो अग्रवाल 420 का हम डोसा मिक्स बना रहे हैं उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है, वो है हमारा तवा ठंडा हो, उसमें हम आधा चम्मच तेल डाल के उसे पोंछ लेंगे। तो ये मेरा तेल मैंने ले लिया और इसमें मैंने एक ड्रॉप ऑयल डाला और इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और ठंडे ही तवे पर हमने हमारे डोसे मिक्स को डालना है। तो ये हमने हमारा डोसा मिक्स करीब 2 से 2.5 चम्मच डाला। दूसरी चीज, हमारी कटोरी जो हम यूज करेंगे उसका डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। तो हमने हमारी कटोरी से हमारे डोसा मिक्स को अच्छे से फैला लिया है। अगर आप बीच में आपकी कटोरी को उठाएंगे तो आपका डोसा उस पर चिपक जाएगा। तो देखिए दर्शकों, एक ही डायरेक्शन में हमने डोसा को अच्छे से फैला लिया है। अब हम हमारे गैस को ऑन करेंगे। हमारा गैस भी ऑन हो गया है। करीब 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें हल्का सा घी या तेल डालेंगे और उसको क्रिस्प होने तक उसको उसके बाद हम उसको पलटेंगे। तो दर्शकों, हमने हमारे डोसे को क्रिस्प होने तक उसमें हल्का सा 1 चम्मच तेल या घी डालना है और आप देखिए कितने आसानी से हमारा डोसा निकल रहा है। और अगर आप चाहते हैं आपको दोनों तरफ क्रिस्प चाहिए तो आप अपने डोसे को पलट भी सकते हैं। देखिए हमारा क्रिस्पी डोसा एकदम तैयार है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग डाल के अब इसे हम रैप करेंगे। तो दर्शकों, आप लोगों का वो झिझक, वो डर कि इंस्टेंट मिक्स से आपके डोसे अच्छे तैयार नहीं होते, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको वो आपकी वो झिझक हट गई होगी। तो चलिए, हमने हमारा डोसा भी फोल्ड कर लिया है और इसे हम प्लेटिंग करेंगे और गार्निश करेंगे सांभर और नारियल की चटनी के साथ। तो चलिए, हमारा क्रिस्पी डोसा तैयार है।